नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। नुक्कड़ बहस में आज एबीपी न्यूज का नुक्कड़ लगा है मुंबई के पास वसई विधानसभा सीट पर। यहां के विधायक हैं विवेक पंडित, ये शिवसेना के नेता हैं। हालांकि पिछली बार इन्होंने चुनाव शिवसेना के टिकट पर नहीं लड़ा था। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर जी, और हमारे साथ में दत्ता नर जी मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से। हम इन तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विपक्षी पार्टी से। हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विवेक पंडित जी ने बतौर विधायक अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई हैं? मैं जनरली अपोजिशन पे बोलता नहीं, तो बेटर उन्होंने उनके काम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए सर जी। सबसे पहला ये जो विधायक चुन के गए, वो ये मुद्दे पे चुन के गए थे कि गांव का जो महानगर पालिका से गांव का अलग करना था, वो मुद्दे से उनको लोगों ने चुन के दिया था। लेकिन आज तक वो मुद्दा ऐसा ही है, इसके लिए उनसे वो ये काम हुआ नहीं। जिस मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा था वो बात अभी तक पूरी हुई नहीं है, उसका कोई फैसला आया नहीं है जी। ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात का अंतिम नतीजा आना बाकी है, लेकिन जिस के लिए लोगों ने मुझे चुन के दिया था कि गांव को, जो गांव के ऊपर अन्याय शासन ने किया है उसको दूर किया जाए और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गांवों को निकाला जाए, वो मैंने 2011 में 21 अप्रैल 2011 में महाराष्ट्र की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जाहिर कह दिया, ऐलान कर दिया कि 29 गाँव उन्होंने निकाले हैं। अब ये जो मामला है, ये बाकायदा गांव को निकालने के बाद महानगर पालिका ने अपने हित को संभालते हुए गांवों को महानगर पालिका में रखने के लिए फिर से हाईकोर्ट का आधार लिया है और हाईकोर्ट में ये केस पेंडिंग है, हाईकोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ। आपने पंडित जी की बात सुनी, महानगर पालिका पर आपकी पार्टी का कब्जा है और इनका कहना है कि अदालती लपेटे में महानगर पालिका ने लिया है इस पूरे मामले को और इसलिए उसका कोई हल नहीं निकल रहा। ये एक मुद्दा नर जी ने कहा कि उस मुद्दे पे एक मुद्दा, विधायक के काम रास्ता होता है, बिजली होता है, पानी होता है, अलग अलग स्कीम लाना होता है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? आप विधायक एक मुद्दे पे चुन के नहीं जाता, पीने की पानी की दिक्कत उसके लिए आपने क्या किया, बिजली आपने आश्वासन तो भारी दिए थे, सुसरी जो है उसके लिए 16 करोड़ रुपया भरा है, सर्वे सेटलमेंट, उधर जाके उधर लोगों को भड़काने का काम कौन करता है कि आप डैम को पानी नहीं दो? आपका इंटरेस्ट वसई में है या वसई के बाहर है, वो भी देखना चाहिए लोगों ने कि उधर जाके लोगों को भड़काना। दो तीन गंभीर सवाल उठाए हैं ठाकुर जी ने, आरोप भी लगाए हैं कि आपने पानी के लिए भड़काया था लोगों को और जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध करानी चाहिए थी बतौर विधायक होने के नाते, उस काम में आप पीछे रह गए। जैसे जैसे चुनाव आता है उन्हें पानी की याद तो आती है। 25 साल हुए लोगों को पानी का वादा इन्होंने किया था, मैंने नहीं किया था। इन्होंने एक जो बताया कि विधायक का काम ये पानी लाना है, विधायक का काम ये रास्ते करना है, विधायक का काम जो महापालिका का काम है वो उन्होंने विधायक का काम बताया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें विधायक का काम क्या है इसका पता आज तक नहीं है। विधायक का काम इस देश का, इस राज्य का कानून बनाना है। सरकार आज तक केंद्र में भी इन्हीं की थी जिन्हें ये सपोर्ट करते आए, राज्य में भी इन्हीं की सरकार थी जिन्हें सपोर्ट करते आए। जब हमारी सरकार अब राज्य में आएगी, इन्होंने जो सवाल 20-25 साल में उठाए नहीं है, पूरे नहीं किए, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। सरकार की बात की, सत्ता में कांग्रेस एनसीपी थी और हितेंद्र ठाकुर जी की पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। नहीं, अभी जो यहाँ जो कुछ डेवलपमेंट हुआ वो अपना राज्य सरकार ही उनको मदद किया और उनका उनका माध्यम से ही उनका डेवलपमेंट हो गया है। मैं ये मानता हूँ कि विधायक के काम कानून बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास जाके हमारे क्षेत्र के समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आज हर साल 10-15 करोड़ रुपया दोनों एमएलए कॉरपोरेशन को मिला के देते हर साल अलग अलग योजना, वो दलित बस्ती सुधारना हो, स्पेशल फंड हो, मतलब एमएलए फंड के बावजूद। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इनके नगर सेवकों ने काम किया है ना वार्ड में, उतना भी इनसे नहीं हुआ। पंडित जी, आगे की बात करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में आपकी गठबंधन, जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, उसमें नारा था अब की बार मोदी सरकार। तब ये कहा जाता था कि लोग उम्मीदवार को देखकर वोट नहीं देते थे, वोट देंगे तो मोदी को जाएगा।
इस बार क्या पार्टी का नारा होगा और खास करके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या मुद्दा रहेगा? एम सवाल ऐसा है कि पानी के नारे को लेके हर साल लोगों के पास यही चुनाव के लिए जाते रहे, बस्ती बड़ी किसने बढ़ाई? आज भी जबकि पानी पूरे आबादी को ये लोग नहीं दे सकते, यहाँ पे बहुमंजिले इमारती सीसी दी जा रही है। कैसे दी जा रही है? जबकि जिला नियोजन ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि जब तक पूरा पानी नहीं दिया जाता, सबको पानी नहीं दिया जाता, तब तक नई मंजिल की इमारतें यहाँ पे न बने। लेकिन पूरे जो बिल्डर्स की लॉबी इनकी बनी हुई है, जो इनके सारे सत्ताधीश हैं, वो वहाँ पर सत्ता कर रहे हैं और लोगों को चूसने का काम ये यहाँ पे इन्होंने करते बिल्डर लॉबी के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। इनके कोई मित्र बिल्डर नहीं है? किसी का मित्र होना, किसी ने काम धंधा करना कोई पाप है? चोरी है? चोरी है? चोरी ये है कि इलीगल काम करने वालों को लेके उनकी कॉरपोरेशन कार्रवाई करते तो रोकने के लिए मोर्चा निकालना, ये काम विधायक का नहीं है। गैरकानूनी निर्माण होता है, उसको जब रोकने की कोशिश की जाती है तो आप मोर्चा निकालते हैं। गैर कानूनी निर्माण तोड़ने के वक्त जो है उनको तोड़क कार्रवाई होती है तो आप उसे रुकवाने के लिए मोर्चा निकालते हैं? मोर्चा मैंने जरूर निकाला है और जरूर निकाल दे रहूंगा। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो किसके हैं? तालियां बजाने वाले लोग जानते हैं उनको कि किसके हैं लोगों को। और ये एक शहर का जो गंदापन किया है, ये शहर एक बहुत अच्छा एक सुंदर ऐसा ऐतिहासिक शहर था, इस शहर को गंदगी बनाने का काम जिन लोगों ने किया उनसे ये अच्छी ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। इनके मालूमात के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं, चाल में रहने वाले लोगों के लिए मोर्चा नहीं निकला, इलीगल बांधकाम करने वालों के लिए मोर्चा निकला था कि वो तोड़ो मत, रहने आए हुए लोगों को तोड़ना ये तो एकदम गलत ही बात है। वो तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि कोई आदमी इधर उधर से पैसा जमा करके ये चौल माफिया के साथ आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई आज माफिया शब्द इन माफियाओं के नाम से सुनते हुए, मुंह से सुनते हुए। अरे आप माफिया कह के बुला रहे हैं, मर्डर का चार्ज इन पे भी था। मर्डर को माफिया नहीं कहते, मर्डर अब मर्डर का चार्ज मेरे ऊपर लगा। आज भी मैं कई चार्जेस झेल रहा हूँ। वो किसने किसने लगाए प्रूव करके दिया ना, किसने लगाए चार्जेस कोई भी प्रूव करके दिया ना तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। नेशनल टेलीविजन पर एक चैलेंज दिया है हितेंद्र ठाकुर जी। देखिए आप माफिया का चार्ज मतलब क्या है? जो टाड़ा में अंदर थे वो क्या प्रूव करना बाकी है? वो तो टाड़ा में रह चुके हैं, वो चुनाव good. वो चुनाव जीते, वेरी गुड, जाहिर है चुनाव जीते छूटे, इसका मतलब चार्ज नहीं गया। अरे टाड़ा कोई भी अभी क्या इनके व्यवहार ही है, इनके कहने पे डाला होगा, लड़की दी है तो। तो आपने सुनी नुक्कड़ बहस वसई विधानसभा क्षेत्र से, आज इस बहस में इतना ही, फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ वसई।